पहनूंगी तेरे जूते ऊटे। क्यों? और ये गीला क्यों है? नाले में गिर गया। लेकिन मैं गीले जूते पहन के स्कूल कैसे जाऊँ? जूता बड़ा बार बार निकल जाता है। अच्छा बुआ ने बहाने बना लेती हो तुम, तेरे सामने तो चाले थे डाले थे मैंने कपड़े इस जूते के अंदर, फिर भी निकल आता है। तेरी गलती है, तूने मेरे जूते को घुमा दिया। कहाँ है मेरे जूते? मेरे जूते ला दे, मैं तो माँ को बताऊंगी। और माँ तो पापा को बता देगी। अच्छा होगा, तेरी पिटाई होगी। मैं पिटाई से नहीं डरता, पर पापा के पास पैसे नहीं है। हम एक तारीख के पहले कैसे नए जूते खरीद सकते हैं? मुझे लगा तेरे पैसे में ये बात आ गई होगी। रंग थे नूर था जब करीब तू। एक बच्चा 3 घंटे से लगातार पबजी खेल रहा था। ये देखकर उसकी मम्मी ने उसको बहुत मारा और डांट लगाकर पढ़ने को कहा। बच्चे को बहुत गुस्सा आ रहा था और जब उसकी मम्मी वहाँ से चली गई तो बच्चे को लगा कि शायद उसकी मम्मी उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। तो उसने एक कागज पर लिखा कि मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ और मम्मी का प्यार देखने के लिए चुपचाप अलमारी में छिपकर बैठ गया। जब थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी कमरे में आई और खत पढ़ा तो यहाँ वहाँ रोते रोते अपने बच्चे को ढूंढने लगी। 2 घंटे बीत गए पर फिर भी बच्चा अलमारी से बाहर नहीं आया। माँ अपने बच्चे के लिए फिर भी तड़पती हुई रोए जा रही थी। फिर बच्चे को एहसास हुआ कि अब उसे शायद बाहर आ जाना चाहिए और अपनी माँ के गले लग जाना चाहिए। और जैसे ही बच्चा बाहर आया उसकी माँ ने उसको गले लगाया और इतना मारा इतना मारा इतना मारा कि बच्चा समझ गया कि उसकी माँ उसको कितना प्यार करती है।